हेलो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि किसी भी कार का वाइपर और लाइट कैसे ऑन करते हैं, जो कि बहुत से चालक कार को चलाते हैं। तो जो नए चालक होते हैं उनको प्रॉब्लम होता है वाइपर चलाने में या फिर लाइट ऑन करने में। तो ये जो स्टीयरिंग व्हील आप लोग देख रहे हैं, स्टीयरिंग व्हील के जो राइट साइड में जो लीवर होता है, यहाँ पे ये आप लोग देख रहे हैं, ये इस लीवर में लाइट ऑन करने के लिए है और इंडिकेटर के लिए है और डीपर के लिए है, ठीक। और जो राइट वाला जो लीवर है, ये सभी कारों में राइट साइड ही होता है लाइट को ऑन करने के लिए, ठीक। तो लाइट ऑन करने के लिए इसको आपको बीच में करना है, ये पार्किंग लाइट हो गई, और इसको और आगे घुमा देंगे तो हेडलाइट ऑन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हेडलाइट ऑन है। अब हमें इसको हाई बीम पर करना है, तो इसी लीवर को आपको करना है नीचे की तरफ, ठीक। इसको जब आप नीचे कर देंगे तो ये हो जाएगा हाई लाइट। जब हाई लाइट जलेगा तो यहाँ पे ये ब्लू कलर का सिंबल जल रहा है, तो ये मतलब हाई लाइट है। और लो लाइट के लिए इसको ऊपर करना है, ये हो गया लो लाइट। अब हमें जब पास मांगना होता है डीपर देने के लिए, तो इस लीवर को ऐसे अपनी तरफ खींचना होता है, ऊपर की तरफ, ठीक। तो ये देख रहे हैं ये जल रहा है डीपर, ठीक। पाएंगे तो हेडलाइट ऑन हो जाएगी, बीच में पार्किंग लाइट है, ये ऑफ हो गया, ठीक। यहाँ से ऑफ हो गया कि राइट इंडिकेटर ये नीचे करना है। अगर आपको राइट मुड़ना है तो हम इस लीवर को इसको नीचे कर देंगे, ठीक। ये नीचे करेंगे तो राइट इंडिकेटर जलेगा, और लेफ्ट मुड़ना है तो इसको हमको ऊपर कर देना है, लेफ्ट के लिए ऊपर, ठीक। अगर लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट के लिए ऊपर और राइट के लिए नीचे, ठीक। अब अगर मान लीजिए किसी कार को आपको पास देना है तो इसको हल्का सा आपको नीचे करना है, दो बार इंडिकेटर जल के बंद हो जाएगा, तो मतलब राइट वाले बंदे को आप पास दे रहे हैं कि राइट से वो ओवरटेक कर सकता है। फिर अगर लेफ्ट के लिए देना है तो इस लीवर को आपको ऊपर करना है, ये दो बार जल के बंद हो जाएगा। जब पूरा ऊपर कर देंगे तो मुड़ने के लिए हो जाएगा। तो ये आप लोग समझ गए राइट वाले लीवर के बारे में। तो जो राइट वाला लीवर होता है, यहाँ से लाइट ऑन होगा, और जो है लो बीम हाई बीम आप कर सकते हैं, इंडिकेटर दे सकते हैं, पास मांगने के लिए, पास देने के लिए इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। तो ये राइट वाला जो लीवर है ये। और बाकी जो है हार्न, हार्न या तो बीच में होता है किसी गाड़ी में, और किसी गाड़ी में यहाँ पे किनारे पे होता है, जो कि आप यहाँ अंगूठे से दबा सकते हैं। फिर जिस कार में ब्लूटूथ सिस्टम होते हैं, जिसकी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ऑडियो सिस्टम और ब्लूटूथ सिस्टम है, तो उस गाड़ी का हार्न जो है बीच में होता है, और कुछ गाड़ियों में हार्न किनारे पे होता है, ठीक। वाइपर का लीवर है, तो वाइपर चलाने के लिए इसको आपको लो मीडियम हाई, ठीक। तो आप यहाँ से लो मीडियम हाई कर सकते हैं, और बंद करने के लिए इसको ऊपर करना है, ठीक। तो किसी किसी गाड़ियों में ये वाइपर जो है ऊपर की तरफ चलता है, ऊपर जब करेंगे तो ऊपर चलेगा, नीचे बंद होगा, ठीक। और किसी किसी गाड़ियों में इसको नीचे की तरफ करना है, लो मीडियम हाई, तीन स्टेप हो गया ये। तो ये जो लेफ्ट साइड वाला जो लीवर होता है स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड, यहाँ पे आपको वाइपर का स्विच है, ये वाइपर के लिए। और अगर किसी किसी गाड़ी में पीछे का वाइपर चलाने के लिए रहता है, तो यहाँ पे घुमाने के लिए दिया रहेगा, आगे घुमाएंगे तो जो है लो मीडियम हाई, वो भी आप तीन स्टेप कर सकते हैं, यहाँ पे घुमाने के लिए रहता है। जब बंद करना है तो इसको अपनी तरफ घुमा लेना है, तो बंद हो जाएगा पीछे का वाइपर। और जब पानी प्रेस करना है तो इसको अपनी तरफ घुमाना है, ठीक। जैसे पीछे पानी प्रेस करना है तो अपनी तरफ घुमाइए, या चाहे आगे की तरफ घुमाइए, वो कार में दिया रहता है। अगर आपको जैसे पानी प्रेस करना है वाइपर के लिए, शीशा साफ करने के लिए, तो उसको पानी को प्रेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस लीवर को अपनी तरफ उठाना है, ठीक। जब ये लीवर आप अपनी तरफ उठाएंगे तो सामने से पानी निकलेगा, देखिए पानी निकल रहा है। तो जब भी आपको वाइपर का पानी निकालना है शीशे को साफ करने के लिए, तो इसको आपको ऊपर की तरफ खींचना है। जब तक आप इसको खींचे रहेंगे तब तक पानी निकलेगा, छोड़ देंगे तो पानी बंद हो जाएगा, ठीक। तो ये फिर एक बार चल के ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा, ठीक। जब आप इधर दबा के रखेंगे तो देखिए वाइपर चल रहा है, और जैसे ही छोड़ेंगे वो बंद हो जाएगा। और यहाँ से लो मीडियम हाई, तीन स्टेप आप वाइपर को चला सकते हैं, ठीक। तो आप सभी चालक इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी भी कार में अलग नहीं होता है वाइपर लीवर और हेडलाइट लीवर, ठीक। कुछ गाड़ियों में ऑटो लाइट होता है, जहाँ पे अंधेरा रहेगा वो ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाएगी, और जो लाइट ऑन करने का तरीका यही है, और हेडलाइट हाई बीम लो बीम करने का तरीका यही है, और डीपर भी देने का तरीका यही है ऊपर। सभी गाड़ियों में एक ही फंक्शन है, एक ही तरीका है, किसी गाड़ी में अलग नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वाइपर स्विच और हेडलाइट लीवर, हेडलाइट वाला लीवर जो होता है वो
स्टीयरिंग के राइट साइड में होता है और वाइपर चलाने का लीवर स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड में होता है।